नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। बीमारी से लड़ते हुए देश की बेटी ने तोड़ा दम। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 5 साल से नगरपालिका के चक्कर काट रहा था गरीब परिवार। नगरपालिका के अधिकारियों से की कई बार गुहार, ना पार्षद ने सुनी पुकार। शासन की योजनाओं का लाभ मिलता तो बच सकती थी गरीब परिवार की बेटी की जान। परिवार की मदद के लिए आगे आए शहर के समाज सेवी और प्रेस क्लब के सदस्य। सरकार अपने द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार बाखूबी करती है, लेकिन ये योजनाएं जरूरतमंद तक पहुंच ही नहीं पाती। ताजा मामला मध्य प्रदेश के गंज बासोदा से आया है। यहाँ देश की बेटी की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उसे तमाम योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला, चाहे वह आयुष्मान योजना हो, संबल योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, या फिर 1 रुपये किलो गेहूं लाभ मिलने वाली योजना हो। इन सभी योजनाओं से परिवार वंचित रहा। शासन की योजनाओं का लाभ मिलता तो हर्ष का विश्वकर्मा की जान बच सकती थी। इस गरीब परिवार को गरीबों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पाया और गत रात्रि हर्षिका की मौत हो गई। काश शासन की योजनाओं का लाभ देश की बेटी को मिलता तो कहीं ना कहीं बेटी आज हमारे बीच होती। हर्षिका के पिता जितेंद्र विश्वकर्मा पेशे से ऑटो चालक हैं। परिवार में उनकी पत्नी एवं 4 बच्चे हैं। घर की स्थिति ठीक ना होने के कारण परिवार संघर्ष कर रहा है। ऑटो चालक जितेंद्र की बेटी हर्षिका को पिछले 1 वर्ष से टीबी की बीमारी थी। जानकारी लगते गरीब परिवार की मदद के लिए शहर के कुछ समाज सेवी व प्रेस क्लब के सदस्य आगे आए। नवोंकर विद्यापीठ के छात्र व ब्रजेश रघुवंशी द्वारा घर में राशन पानी की व्यवस्था की गई। वहीं पत्रकार संघ के अध्यक्ष नीतेश नायक ने भी अपने संगठन द्वारा उस गरीब परिवार के लिए 1100 रुपये प्रदान किए। वहीं मां अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा उस परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। इस सब के बावजूद हर्षिका की तबीयत अचानक बिगड़ने पर बाल संरक्षण आयोग अधिकारियों को जानकारी दी गई, तब इलाज के लिए हर्षिका को विदिशा भिजवाया गया, लेकिन अगले ही दिन हर्षिका का दुखद निधन हो गया। गंज बासोदा से एलएन चौबे की एक रिपोर्ट। पूर्व में जिला मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के 4 बार और 10 चुनाव जीत गए। 4 बार मंडी में डायरेक्ट कर रहे, नागरिक बैंक में डायरेक्ट कर रहे, अनेक पदों पर रहे। इसके बाद आज नगरपालिका कई बार आए, लोगों की यात्रा सुनी। प्रधानमंत्री आवास में लोग परेशान हैं, जिसके फार्म पड़े हैं वे पड़े हैं, और जो 4 साल से 3 साल से 2 साल और जो 6 महीना पहले आए उनकी मकान बनने लगे, उनकी किस्तें डल गए, और पास खुला खेल चल रहा है पैसे का। कोई सुनवाई, गरीबों की छतें नहीं है, कोई 1 लाख दे रहे हैं, दरवाजे नहीं है, वे रो रहे हैं, किराए से दे रहे हैं। साथ में उसकी यथासंभव मदद करते रहना चाहिए। हमारे पास जो भी सामने जो भी मामले आते हैं या इस तरह के कोई प्रकरण आते हैं, तो जो भी जिस तरह की मदद होती है, व्यक्तिगत हो या जैसे हम लोग पूरे नवांकुर के छात्र हैं, हम नवांकुर टोली की तरफ से हम लोगों ने मदद की है। प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूँ मैं और सारे प्रेस वालों को भी इसकी जानकारी है, उन सबकी तरफ से भी मदद की है। बेटी है वो पिछले 1.5 वर्ष से टीवी से पीड़ित है। उसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय हो गई थी। आस पड़ोस वालों ने राष्ट्रीय बाल आयोग में सूचना दी, वहाँ से मेरे पास खबर आई, उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी खबर की थी। पुलिस प्रशासन उस बच्ची को लेकर कल रात में 9 बजे हॉस्पिटल गया। वहाँ हम लोग गए, देखा बच्ची की जगह, उसी समय बच्ची के पिता को बुला के हम लोगों ने पूछा कि आप 2 साल से बच्ची का इलाज क्यों नहीं करा रहे। तो पिताजी का कहना ये था,
कि मेरे घर में अकेला मैं ही कमाने वाला हूँ, अगर मैं 1 महीने या 15 दिन बच्ची के इलाज के लिए घर से बाहर रहूँगा तो मेरे बाकी के बच्चों का क्या होगा, उनका भरण पोषण की काफ़ी बड़ी समस्या हो जाएगी। तो हम लोगों ने उसको आश्वासन दिलाया कि तुम्हारे घर परिवार में जो भी है 1 महीने का राशन पानी हम लोग इकट्ठा करके आपसी मदद से दे देंगे बच्चों को, और राशन पानी की और किसी भी प्रकार की सामग्री की आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप अपनी बच्ची का इलाज कराएं, जब तक बच्ची स्वस्थ होकर घर पर नहीं आएगी हम लोग उसकी जवाबदारी लेते हैं। और हमारे बावदा शहर में ही माँ अन्नपूर्णा सेवा समिति शाम के खाने की व्यवस्था वो करेगी, खाने के अलावा भी जो ज़रूरत का सामान है जैसे कि साबुन तेल बच्चों के टूथब्रश वगैरह सभी सामग्री हमने दे दी, और प्रेस क्लब की तरफ से भी कुछ नगद दान उन्होंने दिया है वो भी इनको दे दिया, और आसपास में हमारे जैसे नायक जी हैं इन लोगों को हमने बता दिया कोई भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग